नमस्कार दोस्तों। दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो आपके फिजिकल है, फिजिकल को लेकर, इसके अलावा दोस्तों 15 गुना की लिस्ट को लेकर कुछ अपडेट लेकर आया हूँ आपके सामने। और बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आखिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं चला कि 15 गुना के अंदर कौन कौन शामिल होने वाला है। तो 15 गुना की लिस्ट है वो कब आ रही है और फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं और कहां पर फिजिकल होने वाला है, उस मुद्दे पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि 15 गुना के अंदर किस किस को बुलाया जा सकता है, कौन कौन सेफ है, कितने नंबर वाला बच्चा है वो सेफ है, तो उस मुद्दे पे भी दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप मेल हो या फीमेल हो, आपने कोई से भी जिले से फॉर्म अप्लाई कर दिया हो, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक आपको जरूर देखनी है। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले तो दोस्तों मैं आपका फिजिकल का डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि फॉर्म आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके जो करेक्शन की डेट थी दोस्तों वो भी अब जा चुकी है। अब फिजिकल कब तक हो सकता है, अभी आपके फिजिकल के ग्राउंड है वो तैयार किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों लगभग 53,000 से और 60,000 बच्चों का फिजिकल लेना है, तो आपके फिजिकल के ग्राउंड भी तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म है वो कितने आए हैं, 2,75,000 के आसपास फॉर्म आए हैं आसपास, मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से 15 गुना विद्यार्थियों को भी छांटना है कि जिनके भी ज्यादा नंबर बन रहे हैं, 15 गुना विद्यार्थी जितने भी है वैकेंसी के, उनकी दोस्तों एक लिस्ट तैयार करनी होगी। तो आपको जो सितंबर का महीना है दोस्तों इन्हीं तैयारियों में निकल जाएगा। तो आपके जो फिजिकल है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाने वाले हैं। वापस से बोल रहा हूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो आपके फिजिकल है ये आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपसे करवा लिए जाएंगे। अब बहुत का डाउट ये भी आएगा कि फिजिकल कौन से ग्राउंड में होगा, क्या जहां से हमने फॉर्म भरा है उसी जिले के अंदर फिजिकल होगा क्या? नहीं दोस्तों, फिजिकल का आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा कि आपका फिजिकल कौन से जिले के अंदर कौन से ग्राउंड में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जिस जिले से आपने फॉर्म भरा है वहां पर ही फिजिकल होगा, नहीं दोस्तों। 2018 की भर्ती में दोस्तों जिन्होंने दौसा जिला से बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके फिजिकल जयपुर के अंदर ग्राउंड में हुए थे, तो कहीं पर भी आपके फिजिकल हो सकते हैं। या आपके एडमिट कार्ड के अंदर बता दिया जाएगा कि कितने बजे से और कौन से ग्राउंड में आपके फिजिकल होंगे। तो अभी तक आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। तो पहला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं कि 15 गुना की लिस्ट कब तक आ जाएगी, कब तक हमको पता चल जाएगा कि हम 15 गुना में शामिल भी हुए हैं या नहीं हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिजिकल से कुछ दिन पहले आपकी एक लिस्ट जारी की जाएगी पुलिस विभाग की साइट के ऊपर दोस्तों, जिसमें यह बता दिया जाएगा कि आपके जिले में से आप सेलेक्ट हुए हो 15 गुना के अंदर या नहीं हुए। ये लिस्ट दोस्तों फिजिकल से कुछ ही दिन पहले आएगी। 15 गुना की लिस्ट में यह भी क्लियर कर दिया जाएगा कि सीईटी में कितने नंबर वाले बच्चों को 15 गुना में शामिल किया गया है, मतलब कि आपके जिले की कट ऑफ क्या रही है 15 गुना की, ये भी उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसे दोस्तों साइट के ऊपर 15 गुना की लिस्ट आती है सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोनों के दोनों मैंने डाउट क्लियर कर दिए। तीसरे नंबर पे डाउट आ रहा है कि कौन कौन सेफ है। तो दोस्तों हमेशा से मैं एक बात बोलता आया हूं आपसे कि इसमें दोस्तों थोड़ा सा रिस्क था, किसी को कोई पता नहीं है कि कौन से जिले की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। बहुत जिले ऐसे होंगे जहां पर दोस्तों कट ऑफ बहुत कम रहेगी और बहुत जिले ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। तो मैं वापस से बोल रहा हूं, यदि आपके 150-155 नंबर बन रहे हैं, आपने कोई से भी जिले से फॉर्म भर दिया हो, कोई सी भी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो 150 वाले, उन सभी को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत ये बोलेंगे कि फिजिकल की तैयारी क्यों करवा रहे हो, कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई जिले की कट ऑफ बहुत कम भी रहने वाली है, और यदि आपने उसी जिले से फॉर्म लगा दिए जहां पर आपकी कट ऑफ बहुत कम रही और आपको फिजिकल का कॉल आ गया, तो आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़े बहुत कम नंबर भी बढ़ रहे हैं तब भी आज से फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दो। 150 के आसपास जिनके भी नंबर बढ़ रहे हैं सीटी के अंदर, वो सभी को फिजिकल का कॉल आ सकता है, तो फिजिकल की तैयारी है वो शुरू कर दो आज से। डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, किस किस को 15 गुना का कॉल आ सकता है, किस किस को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ये भी मैंने आपको पूरी तरह क्लियर कर दिया। अगला डाउट आया कि टोटल कितने फॉर्म भरवा गए हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, वापस बता देता हूं, लगभग 2,75,000 या 2,76,000 के आसपास फॉर्म आए हैं। मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बता रहा दोस्तों, लेकिन लगभग 2,76,000 के आसपास है वो टोटल फॉर्म आए हैं। तो ज्यादा फॉर्म नहीं है दोस्तों, हम अंदाजा लगा रहे थे 3-3.5 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन इतने फॉर्म भी नहीं आए। इसका मतलब यह है कि ज्यादा फॉर्म नहीं आए, ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, तो आप तैयारी कर दो फिजिकल के आज से ही शुरू। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और आपके 12th लेवल सिटी में कितने नंबर है, या आप कमेंट करके बताना रहा आपने कौन से जिले से फॉर्म अप्लाई किया है।
ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।